जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे साउथ इंडियन बैंक में हम अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं बिना ब्रांच जाए हुए। घर बैठे दोस्तों अपने मोबाइल फोन से इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो। साउथ इंडियन बैंक की तरफ से एक अकाउंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है जिसका नाम है SIB इंस्टा अकाउंट। इस अकाउंट में दोस्तों आपको फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलेगा, साथ में यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन के साथ साथ आप इसके SIB मिरर एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो, तुरंत आप इसे लॉगिन भी कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हमने इसका कंप्लीट आपको प्रोसेस बताया है कैसे आप साउथ इंडियन बैंक में SIB इंस्टा अकाउंट आप घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। इसका दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपको, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। अब इसके लिए दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए आप साउथ इंडियन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब इस पेज पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का। आपको यहां पर दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, रेजिडेंट कस्टमर। आप रेजिडेंट कस्टमर के ऑप्शन पर जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे, इसके बाद में आपको दो अकाउंट मिलते हैं। पहला मिलता है आपको सेविंग बैंक अकाउंट देखने को मिलता है, दूसरा मिलता है इंडिविजुअल करेंट अकाउंट। तो हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, परमिशंस को अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपको पेपरलेस अकाउंट देखने को मिलेगा, इंस्टेंट इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, कोई भी बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड भी दोस्तों मिल जाएगा, साथ में दोस्तों यहाँ पर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखना है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ एग्रीमेंट्स मिलेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, देन अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सी ब्रांच में आप अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो, अपनी ब्रांच को दोस्तों सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं, तो आपको यहाँ पर ऊपर ब्रांच का नाम आपको टाइप कर देना है, अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले वाले कॉलम में जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। दूसरे वाले कॉलम में आप ईमेल आईडी को टाइप करेंगे, और यहाँ पर ये रेफरल प्रोमो कोड इसे आप फ्री छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। इसके बाद में दोस्तों आपको कैप्चा देखने को मिल जाएगा, कैप्चा दोस्तों इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है, और जैसे दोस्तों आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे, देन इसके बाद में यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, वो OTP दोस्तों आपको इस कॉलम में फिल कर देना है, देन इसके बाद में प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को फिल कर देना है। आप यहाँ पर दोस्तों वर्चुअल नंबर को भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आधार नंबर को फिल करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी, वो OTP इस कॉलम में आपको फिल कर देना है, देन इसके बाद में प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आधार कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ले ली गई है। इसके बाद में नीचे देखेंगे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है, कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा, तो यहाँ पर अनचेक करेंगे, उस एड्रेस को फिल करेंगे। अगर यही दोनों एड्रेस आपके हैं तो नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब इस कॉलम में दोस्तों अपने पैन नंबर को फिल करेंगे, और पैन नंबर को फिल करने के बाद में नीचे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। पहले वाले कॉलम में फादर नेम डालेंगे, दूसरे वाले कॉलम में मदर नेम को फिल करेंगे। इसके बाद में नीचे देखेंगे मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिंगल है मैरिड सेलेक्ट करेंगे। अगर मैरिड है तो स्पाउस नेम में अपनी वाइफ का नाम डालेंगे। इसके बाद में नीचे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है क्या वो सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी एनुअल इनकम हो साल की वो सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद में नीचे दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, और इसके बाद में दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे दोस्तों आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा।
तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल को फिल करना होगा। इसके लिए दोस्तों देखेंगे आपको यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, नॉमिनी किसकी ऐड करना चाहते हो अपना रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने वहाँ पर वाइफ पहले से डाला हुआ है, आपकी शादी हो चुकी है, अगर वाइफ आप नॉमिनी में डालोगे तो पूरा एड्रेस, पूरा नाम, डिटेल सब कुछ यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नॉमिनी एज का, ठीक है, तो नॉमिनी एज यहाँ पर डाल देंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप नॉमिनी दूसरे की डालना चाहते हो तो दूसरे की नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। और जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अकाउंट नंबर और आपको IFSC कोड देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में दोस्तों ऊपर एक मैसेज भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो बैंक की तरफ से मैसेज आया होगा, उस मैसेज में भी आपको अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू साउथ इंडियन बैंक, द रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट ओपनिंग इज अंडर प्रोसेस एंड योर विल बी गेट SMS वंस द अकाउंट टू रेडी यूज। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक की तरफ से एक लिंक सेंड किया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो KYC को कंप्लीट करना होगा। देन वीडियो KYC दोस्तों अगर आप नहीं करते तभी इसकी एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे और SIB मिरर साउथ इंडियन बैंक वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी परमिशंस को दोस्तों इसे डाउनलोड करने के बाद में सभी परमिशंस को आप अलाउ कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अभी जो अकाउंट नंबर मिला हुआ है, अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अंक आपको टाइप कर देने हैं इस कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में दोस्तों मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। देन इसके बाद में नीचे गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर टाइप किया हुआ है उस पर एक OTP सेंड की जाएगी, वो OTP इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है। देन सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको इस तरीके से 2 ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में दोस्तों आपको ब्रांच सेलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए स्किप के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको डेबिट कार्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर 2 कॉलम मिलते हैं, पहले वाले कॉलम में एक अपने पासवर्ड को डालेंगे, दूसरे वाले कॉलम में पासवर्ड को फिल करेंगे और इसके बाद में दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में जो आपने पासवर्ड को सेट किया है वो पासवर्ड को डालेंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जो आपको बैंक से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो आपने अकाउंट ओपन करते समय पर फिल किया था। तो इन 3 क्वेश्चन का दोस्तों आपको जवाब दे देना है और इसके बाद में दोस्तों SIB मिरर एप्लीकेशन में आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप साउथ इंडियन बैंक में अपना SIB इंस्टा प्लस जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। हमने इसका कंप्लीट आपको प्रोसेस बता दिया है। सो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।